जीवन में सही जीवन साथी का होना हम सभी के इवोल्यूशन के लिए, हमारे जीवन की खुशियों के लिए एक बहुत अहम भूमिका रखता है। अगर सही जीवन साथी ना हो तो जीवन के मायने कई बार खोए हुए से महसूस होते हैं। सही जीवन साथी के साथ हमारा जीवन न सिर्फ भौतिक स्तर पर लेकिन स्पिरिचुअल स्तर पर, इमोशनल स्तर पर, हर एक लेवल पर ग्रो कर सकता है। और अगर सही जीवन साथी ना मिल पाए तो हमारा जीवन भौतिक सुखों के होते हुए भी शून्य महसूस, एक एम्प्टीनेस के साथ हो सकता है। कैसे हम अपने ध्यान की सहायता से अपने आप, अपने खुद पर, स्वयं पर काम करके कैसे हम कोशिश कर सकते हैं अंदर बदलाव लाने की, जिससे कि हमारे आंतरिक बदलाव से हमारे जीवन में आने वाले साथी, जीवन साथी की सही एंट्रेंस हो, सही तरीके, सही व्यक्ति हमारे जीवन में आ पाए। आज हम इसको ध्यान में रखते हुए मेडिटेट करेंगे। कई तरह के सवाल हमारे जीवन में होते हैं और इस सवाल पर कि मेरे जीवन में सही जीवन साथी का आगमन कैसे हो, इसके लिए हम एंजेलिक चैंटिंग से शुरू करेंगे अपनी मेडिटेशन। एंजल यानी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी हमारे भूतकाल से आ रही जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं इस जीवन से या इससे पहले के जो जीवन हैं, कैसे हमने अपने आप को जीवन साथी के रूप में पाया, कैसे जीवन साथी हमारे थे, कैसे हमारा इंटरेक्शन था, क्या है हमारी यादें, वे सारी यादें हर पल इस जीवन में हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन क्या है वो यादें, क्या सुधारा जाए, उसको कनेक्ट करने के लिए हम सहायता लेंगे एंजेलिक चैंटिंग एंजल 48 मिहाइल। मिहाइल यानी हमारी खुद की क्षमता, खुद की क्षमता अपने फेमिनिन प्रिंसिपल और मस्कुलिन प्रिंसिपल पे काम करने की। एक मिनट हम इस नाम का उच्चारण बार बार करेंगे और फिर हम शांत स्वभाव से सांसों का आना जाना देखेंगे। मिहाइल एक गहरी सांस, फिर एक गहरी सांस, मिहाइल मेरी खुद के अंदर बसी हुई एक ताकत, मेरी खुद की डिवाइन पावर जो मुझे फैसिलिटेट करती है अपने भीतर जाने की, उन मेमोरीज, उन यादों को कनेक्ट करने की जो अब मुश्किलें पैदा करती है मेरे वर्तमान काल में, ब्लॉक्स क्रिएट करती है सही लोगों से मिलने के लिए, सही जीवन साथी से मिलने के लिए। भविष्य को बनाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम भूतकाल में जाएं। क्या मिस्टेक्स, क्या एरर्स
हमारे भूतकाल में हैं उनको समझें और अपने वर्तमान काल में उनको रेक्टिफाई करें, जिससे कि नेचुरली हमारा भविष्य सुधराव की तरफ जाएगा। भूत वर्तमान भविष्य अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। अगर भूतकाल में कुछ एरर्स हैं तो वो वर्तमान काल में हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स के ब्लॉक्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं, और अगर उनको सही ना किया जाए तो हम फिर से जो भूत था उसी को रिपीट भविष्य के रूप में कर लेते हैं। वही एक साइकिल, विशेष साइकिल जिसको कहा जाता है, भूत फिर से भविष्य बन जाता है, और वो बिल्कुल भी मेल एक सुधराव की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आता है। आने वाले अगले कुछ मिनटों में एक एक बात जो मैं आपसे कहूँ उस पर ध्यान देना है शांत स्वभाव से। क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो वैवाहिक बंधन में बंधित हैं, खुश नहीं हैं? वो मेरे मित्र भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या मेरे खुद के माता पिता भी। किस प्रकार के कपल रिलेशनशिप्स मैंने आज तक अपने जीवन में ज़्यादातर देखे हैं? कुछ पल हम अपने भूतकाल में, इस जीवन के भूतकाल में जाएंगे, क्योंकि काफ़ी आसान है इस जीवन को स्मरण करना। मेरे माता पिता, अच्छी माता और अच्छे पिता, लेकिन कैसे कपल थे वो आपस में या है? किस प्रकार का कपल का उदाहरण मेरे जीवन में सबसे पहला प्रस्तुत हुआ? और अगर उसमें कुछ परेशानियां हैं तो ये दर्शाता है कि अपने पूर्व जन्मों में ऐसा ही कपल रिलेशनशिप मैंने जिया है। हम अपना ध्यान अपनी माँ की तरफ, माता की तरफ ले जाएंगे। उनकी खूबसूरत क्वालिटीज जो भी मन में आती है उनको हमें रखना है। माता यानी भावना जगत, हमेशा माता इक्वल्स भावना जगत, इमोशनल वर्ल्ड। उनकी खूबियाँ हमें अपने साथ रखनी है, लेकिन उनके अगर कुछ नेगेटिविटीज हम विटनेस कर पा रहे हैं, जैसे उनका आपके पिता के साथ कैसे बोलचाल थी, क्या वो शांतिपूर्वक उनसे मिलती थी, उनको क्या वो इज्जत दे पाती थी, जो भी माइनस नेगेटिविटी आपको एज अ विटनेस महसूस हो, इस पल हम कुछ डीप ब्रीदिंग करेंगे उसको अपने अंदर से रिलीज करने के लिए। माता जो इस वक्त हमारी एक गुरु है, जो सिखा रही है हमें क्या अपने अंदर रखना है और क्या नहीं रखना है, क्योंकि हमें अपनी माता से भी आगे एक अच्छे और इंसान के रूप में प्रस्तुत होना है। मैं अपनी माता की सारी खूबियां अपने अंदर शामिल करने का प्रण लेती हूँ। मैं अपनी माता की जो भी नेगेटिविटीज रिलेशनशिप को लेकर थी उनको समझते हुए ना रिपीट करने का प्रण लेती हूँ। अब मैं अपने पिता, उनकी खूबियों, उनकी क्वालिटीज़ को मन में एक नोटिस, एक नोटिफिकेशन के रूप में देखते हुए रखती हूँ। उनकी खूबियाँ, उनकी अच्छाइयाँ, साक्षी रूप में मेरे पिता का आचरण एज अ हस्बैंड
एक पति रूप में, चाहे मैं स्त्री हूं या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो भी नेगेटिव बिहेवियर्स थे उनको साक्षी रूप में देखते हुए, क्योंकि वे सिखाने हमें आए थे जो हमें नहीं करना है अपने खुद के भविष्य में, मैं एक्सेप्ट करते हुए प्रण लेती हूँ अपने पिता के नेगेटिव्स को आगे ना बढ़ाने के लिए। मिहाइल के नाम को याद करते हुए अपनी खुद की मिहाइल शक्ति जो मेरे अंदर शामिल है, मैं प्रण लेती हूँ अपने माता और पिता के जैसे नेगेटिव फॉर्म जो मैंने विटनेस की, जो साक्षी भाव रखा, उसको मैं आगे ना बढ़ाने का प्रण लेते हुए और उनकी सारी अच्छाइयों को अपने भीतर रखते हुए ध्यान दूंगी कुछ मिनट अपने और रिश्ते, अपनी सहेलियों के रूप में या दोस्तों के रूप में, सिर्फ साक्षी भाव से ये देखते हुए कि उन्होंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर उनको अपना कपल रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है। सिर्फ साक्षी करूंगी। अगर मेरे जीवन में कोई ऐसे कपल्स हैं जिनके बीच में झगड़े हैं, द्वेष है, मैं सिर्फ साक्षी भाव से किसी का भी सपोर्ट ना करते हुए देखूंगी कि अगर मुझे उनको सजेस्ट करना हो, एडवाइस करना हो कि वो क्या करें और क्या छोड़ दें अपने रिश्तों में, एक मिनट के लिए मैं इस पर ध्यान दूंगी। और अब जो भी उनकी खूबियाँ, उनकी अच्छाइयाँ, उसको मैं अपने भीतर ले आने के प्रण से कुछ गहरी सांस ले लूँगी, मिहाइल को याद करते हुए हर गहरी सांस के साथ, टू इंटीग्रेट, अपने भीतर शामिल करने के लिए उनकी खूबियाँ। साक्षी भाव से उनकी नेगेटिविटीज़ को देखते हुए अब मैं सांस भीतर और मुंह से बाहर छोड़ते हुए ये प्रण लेते हुए कि मुझे वो नेगेटिविटीज़ अपने भीतर नहीं रखनी है। ये जो मेरे मित्र का जो कपल है, जो जोड़ा है, सिर्फ दिखाने आया है मेरे जीवन में कि कैसी कपल रिलेशनशिप मेरे पूर्व जन्मों में थी, मैंने क्या सही किया था, क्या गलत किया था, उसको सुधराव की तरफ ले जाने के लिए सांसों के साथ मिहाइल को याद करते हुए कुछ पल के लिए सांसें लेंगे। मेरे मित्र, मेरे माता पिता या कोई भी कपल्स जो मेरे जीवन में हैं, वो सिर्फ मुझे सिखाने आए हैं जो मुझे करना है अपने आप के साथ और जो नहीं करना है खुद के साथ, क्योंकि मैं जो खुद के साथ करती हूँ या करता हूँ वही मैं अपने पार्टनर के साथ करता हूँ या करूँगी। रोज एक एक दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन मेरा मन चाहे, अगर मैं ये ध्यान रोज करूं अपने मन में, अपने इन जोड़ों को, इन कपल्स को ध्यान में रख के चिंतन करूं और धीरे धीरे जो उनके नेगेटिव्स हैं
जो मैं महसूस करती हूँ नेगेटिव्स उनमें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत है, मेरे गुरु के रूप में मुझे सिखाने आए हैं। इस भाव के साथ अगर रोज़ मैं अपने अंदर प्रण करूँ उन नेगेटिव्स, उन आर्ग्यूमेंट क्रिएटिंग सिचुएशंस, उन एनर्जीज को समापन करने के लिए, तो मैं धीरे धीरे अपने मास्कुलिन, अपने फेमिनिन प्रिंसिपल्स को ज़्यादा बैलेंस करूँगी। हर पुरुष मेरे जीवन में दर्शाता है मेरे स्वयं का मास्कुलिन पोलैरिटी, पुरुष तत्व। हर स्त्री, हर लेडीज, जो भी मेरे जीवन में मेरी सहेलियाँ या मेरे दोस्त जो भी हैं, माता बहन जो भी है, वो सिर्फ मुझे सिखाने आए हैं, दिखाने आए हैं उनके कपल्स के थ्रू मेरे खुद के स्त्री तत्व की स्टेट। अगर मैं ये ध्यान मिहाइल के साथ रोज़ आने वाले दिनों में जब तक अंदर हल्का ना महसूस करूं, तब तक अगर मैं ये रोज़ करूं, तो धीरे धीरे ये दोनों तत्व, पुरुष और स्त्री तत्व, मेरे खुद के पुरुष और स्त्री तत्व बैलेंस में आने लगेंगे। मिहाइल का बार बार उच्चारण बार बार मुझे अंदर भीतर तक, उन यादों तक, छुपी हुई यादों तक ले जाएगा, जो संभवतः मेरे स्वप्न में भी दिखाया जाएगा, मेरे ड्रीम्स में दर्शाएगा, और रोज़ प्रतिरोज़ मैं उसको अपने अंदर अच्छे इंटेंशन प्योर प्रण के साथ, साफ प्रण के साथ इंटीग्रेट करूं, तो अर्धनारीश्वर जिसको कहा जाता है उसको अपने अंदर पा सकूंगी। क्योंकि अब मैं जानती हूँ मेरा इनर कपल अगर डिसबैलेंस में है तो मेरा आउटर कपल डिसबैलेंस में होगा। जितना ज़्यादा एंजल मिहाइल की एनर्जी, जो कि दर्शाती है बैलेंस बिटवीन द फेमिनिन एंड द मस्कुलिन, जितना ज़्यादा मेरे अंदर समाएगा, वैसा ही व्यक्ति भविष्य में मेरे जीवन में आएगा। यदि मेरे अंदर गुस्सा है तो संभवतः मेरे जीवन में आने वाला व्यक्ति गुस्से वाला ही आएगा। यदि मैं खुद से प्रेम ना करूं, खुद की रिस्पेक्ट ना करूं, तो संभवतः आने वाले भविष्य में मेरा जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर होगा, वो मुझको रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, प्रेम नहीं कर पाएगा। इसीलिए एंजल मिहाइल की सीख कि जो मैं अपने भविष्य में, अपने पार्टनर में चाहूं, पहले उसको खुद के अंदर शामिल करूं, खुद के लिए। और इसमें मेरा ध्यान एंजल मिहाइल के साथ, जब मैं इन जोड़े, जो कपल्स पे चिंतन रोज मैं करूंगी, अपने अंदर की एनर्जीज, एंगर, अग्रेशन, लव, जेलसी, एनवी, जितनी भी ये धारणाएं मैंने इन जोड़ों में, इन कपल्स में देखी है, एंजल मिहाइल की मदद से ये सब धीरे धीरे मेरे भीतर शून्य हो जाएंगे। अपने खुद को, अपने भीतर के ब्रह्मांड को जानना, यानी बाहर के ब्रह्मांड को जानना। मिहाइल।